हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मृत्या, योर लीगल मेंटर। तो अभी तक के हमने आईपीआर में हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसका हमने डिस्कस कर लिया था। पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था आईपीआर के दो सिग्निफिकेंट टाइप्स के बारे में, दैट इज कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या होते हैं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स विद प्रॉपर एग्जांपल, हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉलेज ट्यूटर के चैनल पे जाके आप वो वीडियो जो है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने इस लेक्चर सीरीज को, जिसमें कि हम बचे हुए जो सिग्निफिकेंट दो टाइप्स है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे टाइप के, दैट इज पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स, पेटेंट का क्या मतलब होता है? ये ऐसा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी भी इनोवेशन को, ठीक। अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो जब हम लोग क्लास सिक्स या सेवन या एट में होंगे, प्रोबेबली शायद उसी में हम लोगों ने सर्किट डायग्राम पढ़ा था, है ना। तो जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे आप एक बल्ब लगाते थे, है ना, वहां पे फिर उसके बाद एक बैटरी लगाते थे 9 वोल्ट वाली, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद एक वायर ऐसे रहता था पतला सा, वो पूरा ऐसे कनेक्टेड रहता था, है ना, सर्किट डायग्राम अगर आपको याद आ रहा होगा तो। तो जब हम उसको प्रॉपर बना लेते थे तो ऐसा लगता था हमने कुछ इनोवेट किया है, है ना, ये हमारा इनोवेशन है, लगता था कि नहीं, अंदर से चीज आती थी। तो ऐसा ही कोई जो चीज होता है जो कि लोग उस जब समझते हैं, अपने दिमाग में ये थॉट लाते हैं, आइडिया लाते हैं, और उसके बाद एक्सप्रेशन में उसको लाते हैं, फिर फिजिकली जब उसको बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्या, इनोवेशन, ठीक है। तो अगर उस इनोवेशन को, अगर मान लीजिए ये सर्किट डायग्राम पहले सबसे पहले जिसने बनाया होगा, तो अगर उसको प्रोटेक्ट करना है कि और ये अब दूसरा कोई व्यक्ति जो है अपने नाम से ये ना बता दे कि ये मैंने बनाया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट में आके वहां पे रजिस्ट्रेशन उसको करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इनोवेशन। अब एक और अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रोन के बारे में आपने सुना होगा। ड्रोन जो हवा में आप देखते होंगे, ड्रोन कैमरा वगैरह भी अब आ गया है। तो ड्रोन जो है उसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो है अब्राहम करीम, ठीक है। तो ड्रोन के फाउंडिंग फादर हैं अब्राहम करीम, ठीक। अब जब सबसे पहले, अब इनको हम फाउंडिंग फादर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उन्होंने पेटेंट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता तो अब तक तो ये किसी और के ही नाम से जाना जाता, करेक्ट। अब हम फाउंडिंग फादर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना ये जो ड्रोन, इन्होंने जो इनोवेशन किया था उस चीज का, ड्रोन का इनोवेशन, तो उसको उन्होंने पेटेंट में क्या किया था, रजिस्टर्ड करवा लिया था, सो दैट कि उनका ये जो इनोवेशन है, जो इन्वेंशन उन्होंने किया है जो कि ड्रोन है, उसको कोई और जो है अपने नाम से क्या करे, यूज ना करे मार्केट में, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं करीम, अब्राहम करीम को एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ द ड्रोन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट इज एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इन्वेंटर एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज एंड थेफ्ट टू द रजिस्टर्ड पेटेंट बाय थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है जो कि इन्वेंटर होता है उसको प्रिविलेज देता है कि वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, उसने जो भी इन्वेंशन की है उसको, ठीक, और अनऑथराइज यूज होने से बचा सके अपने जो इन्वेंशन है उसको, या फिर थेफ्ट होने से, कोई चोरी ना कर ले उनके इन्वेंशन को, ठीक है। तो इसीलिए वो रजिस्टर कहाँ करवाते हैं, पेटेंट में, ठीक, आगे बात समझ में। और ये जो थेफ्ट करेगा ये कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है कोई थर्ड पार्टी करेगा, है ना। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, पेटेंट में जाके रजिस्टर करवा देते हैं अपने इनोवेशन को, ठीक है, इन्वेंशन जो उन्होंने किया है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ पेटेंट इज अ मोनोपोली ग्रांटेड टू द इन्वेंटर ऑन हिज क्रिएशन फॉर अ सेट टाइम। तो एक सेट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, एक तरीके से मोनोपोली दी जाती है उनको, इन्वेंटर को, ठीक है, मतलब ये ही है करता धरता, सब अपने इन्वेंशन के यही करता धरता है, ठीक है, उनके ऊपर, उनके पास ही ये एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक। तो उनको वो उस क्रिएशन का एक्सक्लूसिव जो बोल सकते हैं राइट, उनको दिया जाता है फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, अलाउिंग हिम टू इकोनॉमिकली यूज, ठीक। अब उन्होंने इतना माथा पच्ची करके भाई वो बनाया है तो वो उससे कुछ तो पैसे निकालेंगे ना, तो इस वजह से इकोनॉमिकली यूज भी कर सकते हैं
और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मार्केट में टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, कि वो उससे पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है, और मार्केट में भी जाके वो जिस तरीके से उन्हें जैसा भी बेचना है, जो भी करना है, वो उनके पास पूरी राइट होती है, पूरी अथॉरिटी होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, द टर्म इन्वेंशन इज डिफाइंड एज अ न्यू एंड यूजफुल थिंग। क्या है इन्वेंशन का मतलब होता है? एक नया और यूजफुल थिंग, ठीक है, वेदर इट बी आर्ट, प्रोसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, द मशीन, अपैरेटस और अनदर आर्टिकल और एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग एनी न्यू एंड यूजफुल इंप्रूवमेंट ऑफ एनी सच थिंग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इन्वेंशन। जो कि कहां पे बताया गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज जे में ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 में। जब आप देखेंगे ये जो पेटेंट एक्ट 1970 का, वहां पे सेक्शन 2 में जाएंगे, सब क्लॉज 1 और जे में जाएंगे, तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो इन्वेंशन के वहां पे दी गई है। तो क्या होता है? कोई भी ऐसा नया चीज, ठीक है, और जो कि क्या हो, प्लस यूजफुल भी हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं कुछ भी बना के रख दिया, ऐसा इन्वेंशन नहीं करना है जो कि ऐसा हो कि नया तो हो, ठीक है, उस पूरा एकदम नया हो वो, ठीक, और किसी ने नया बनाया हो और वो यूजफुल भी हो। तो ड्रोन आप देख रहे हैं आज किस तरीके से ड्रोन जो है वो हमारे इंडिया में भी किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ड्रोन के कैमरास बन रहे हैं, ठीक है, अब वो कैमरा जो है कई सारे चीजों में उनका यूज आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मिलिट्री में ही हो, आर्मी में ही हो, अगर उनको कुछ ऐसे उनको कोई भी जगह को मतलब एक्सप्लोर करना है, ठीक, जहाँ पे उनको लगा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है विच इज यू नो बैड फॉर आर कंट्री, तो वो ड्रोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस जगह पे जाके क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। शादियों में आप देखते होंगे ड्रोन कैमरा है ना, ऊपर से जाता है, पूरी शादी जो है, पूरा जो आपका जो वेन्यू होता है, ठीक है, उसको वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि क्या उसका इन्वेंशन तो क्या है, उस नया तो था ही, प्लस वो यूजफुल भी है, ठीक है, अभी तक भी यूजफुल है और आगे भी वो चलता रहेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको जो पेटेंट है वो बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो पेटेंट को रिसीव करने के लिए वंस आइडिया मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो आपका आइडिया होना चाहिए वो आपके कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि वो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी पेटेंटेबल, ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो, ऐसा आपका सामान हो, ऐसा आपका वर्क हो जो कि पेटेंटेबल हो, ऐसा कोई ना हो कि जो पेटेंट उसका ना हो सके, ठीक है। आइडिया मस्ट बी न्यू एंड यूजफुल, ये तो हमने देख ही लिया कि एक एसेंशियल है पेटेंट का, कि आप आइडिया जो है वो नया होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए। एंड आइडिया मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, ठीक है, नॉन ऑब्वियस का मतलब जो कि इजीली क्या हो, डिस्कवर ना किया जा सके, ठीक है, ऐसा कोई ना हो कि इजीली अंडरस्टूड किया जा सके, इजीली आप ऐसा कोई चीज हो कि कोई आप ही कर सकते हैं और कोई डिस्कवर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए अगर आप पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं तो अपने इन्वेंशन का, ठीक है, क्लियर हो गया। व्हाइल पेटेंट्स आर मोस्ट कॉमन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमें पता है, तो इस वजह से क्या होता है, आईपीआर में जो प्रोटेक्शन होता है पेटेंट का बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, पेटेंट लेने के लिए और उसको मेंटेन भी करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, पेटेंट्स का, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिजाइन पे आते हैं। तो डिजाइन से आप क्या समझते हैं, एनी आइडिया, एनी गेसेस? तो डिजाइन से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ड्रेस डिजाइनर होता है, है ना, तो वो क्या करता है, कोई बढ़िया सी ऐसी ड्रेस जो है वो डिजाइन कर देता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अब ये गाउन है, ठीक है, गाउन तो नहीं दिख रहा है जो भी है, लेकिन गाउन जैसा है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन है ये किसकी होगी, उस पर्सन की जिसने की वो डिजाइन ये है किया है, ठीक है, जिस पर्सन ने उसको डिजाइन किया है ना, क्लियर हो गया। तो वही होता है डिजाइन, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, समझ रहे हैं, तो वो किसी भी बिल्डिंग जो होती है, मान लीजिए कि अब ये आपका जगह है, अब आपको यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप उनकी ब्लूप्रिंट लेते हैं ना, आप अगर घर बनवाना है आपको तो ब्लूप्रिंट लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, ऐसा वैसा होगा, तो ये कौन बताते हैं, आप तो आपको तो नहीं आइडिया है क्योंकि आपने तो उसकी पढ़ाई करी नहीं है,
तो ये कौन बताता है? एक आर्किटेक्चर ही तो बताता है, वही तो ब्लूप्रिंट देता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे वैसा होगा, तो वो भी एक क्या हो गया, एक फॉर्म ऑफ डिजाइन ही हो गया, है ना। इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स आप देखे होंगे, वो भी तो ऐसे बताते हैं, इसीलिए तो उनको कहते हैं कि अरे अगर घर बनवाया ना, तो इंजीनियर जो होते हैं ना, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उनसे डिजाइन बनवा सकते हैं, बहुत सही घर बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से डिजाइन में ही तो आती है ना। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली एक डिजाइन देते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइन अभी तो बहुत ही फैशन में चला है कि आपका घर बना हुआ है, ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया अपने घर को क्या करना है, सजाना है, तो इंटीरियर डिजाइनर्स भी होते हैं, उनका भी बहुत ही हाई एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो जब आप घर में कि यहाँ ऐसे ये होगा, वो सब बताते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी तो घर को डिजाइन ही तो कर रहे हैं, बना तो दिया, अब डिजाइन ही तो कर रहे हैं। सो दैट इज वॉट ऑल अ फॉर्म ऑफ डिजाइन, ठीक। तो जो टर्म डिजाइन है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000 में, ठीक है, एज ओनली द फीचर्स ऑफ द शेप कॉन्फ़िगरेशन। अब डिजाइन में क्या क्या आता है कि जो ये सारी चीजें होंगी वो डिजाइन होगा, शेप होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, पैटर्न्स और ऑर्नामेंट्स अप्लाई टू एनी आर्टिकल बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मींस, वेदर मैनुअल मैकेनिकल, ठीक है, या तो हाथ के मशीन से वो करे, और केमिकल सेपरेट और कंबाइंड, या इन दोनों का, ठीक है, दैट अपील टू एंड आर इवैल्यूएटेड सोली बाय द आई इन द फिनिश्ड आर्टिकल्स, ठीक है, सोली अपने आंखों से आप क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका जो बन के सामान आया हुआ है, जो बन के वर्क आया हुआ है, ठीक है। द डिजाइन एक्ट 2000 अलाउज द रजिस्ट्रेशन ऑफ 2-dimensional और 3-dimensional characteristics of design. 2-dimensional मतलब जिसका length और breadth ही हो, 3-dimensional मतलब length, breadth, height. क्या? Length, breadth और height. तो ये क्या होगा हमारा? ये 3-dimensional, 3D. और जिसका कि सिर्फ length हो and क्या हो? Breadth. तो उसको हम क्या बोलेंगे? As a 2-dimensional, 2D. ठीक है? तो ये जो designs है, ये cover किसको किसको भी करता है? ये अलाउ करता है रजिस्ट्रेशन ऐसे वर्क्स का भी जो कि 2-dimensional हो और 3-dimensional कैरेक्टर के हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, डेकोरेशन और लाइन और कलर कंपोजिशन अप्लाई टू एनी प्रोडक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब भी किसमें आती हैं? डिजाइन में ही आती हैं, ठीक। व्हेन अ डिजाइन इज प्रोटेक्टेड, अ पर्सन इज गिवन द ओनली राइट टू यूज इट इन Always. तो जब एक कोई पर्सन जो है उसको अपना डिजाइन जो है प्रोटेक्ट करवाना है, तो वो कहाँ पे आएगा? डिजाइन एक्ट में आके प्रोटेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाएगा और प्रोटेक्ट करेगा अपने डिजाइन को, ठीक है। और उसी के पास ये एक्सक्लूसिव राइट होगा, उसी के पास ये राइट होगा कि वो ऑलवेज में, ठीक है, हर एक तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग देम। अब वो सेल भी कर सकता है, इम्पोर्ट भी करवा सकता है, एक्सपोर्ट भी करवा सकता है, और सिंपली यूटिलाइजिंग देम देमसेल्व्स, या फिर वो अपने से, अपने खुद से ही वो यूटिलाइज कर सकता है, प्रोवाइडेड द ओनर गिव्स परमिशन, थर्ड पार्टीज में ऑल्सो मेक यूज ऑफ द डिजाइन, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि एक बार बढ़िया सा गाउन बन गया और उसके बाद ऐसे ही गाउन आपको देखने को मिलते होंगे बड़े बड़े डिजाइनर्स जो हैं उनके भी, और या फिर मार्केट में भी देखने को मिलते होंगे। तो ये क्या क्या है, एक पर्सन ने बना दिया, फिर उसने क्या किया, परमिशन दिया कि थर्ड जो पार्टी है वो भी उसका यूज कर सकती है, उनके डिजाइन का, ठीक है। तो इस वजह से इनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि वो अपने जो डिजाइन है उसको वो किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनके पास ये राइट होता है कि वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिजाइन्स। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईपीआर, दैट इज कि कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमने 4 टाइप के आईपीआर जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कंटेंट जो है पसंद आता है, और आपकी ये जो PDF है, अगर आपको ये चाहिए तो ये आपके जो कॉलेज ट्यूटर हैं उनके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल सकती है, इफ़ यू वॉन्ट तो वहाँ पे आप पिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सो दैट दे Also know what exactly is IPR, अगर उनके सेमेस्टर में या फिर वो ऐसे ही जानना चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
Bye.